बैक टू द चैनल, मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं बिकम टेक्स एंड आपके सामने खड़ी ऑल न्यू 2024 यमहा आरून 5M मोटो जीपी एडिशन आपके सामने खड़ी है। मॉन्स्टर एनर्जी मॉडल भी आप बोल सकते हैं एंड ये भाई अभी एकदम लेटेस्ट है, बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था भाई मॉन्स्टर एनर्जी कहाँ है मॉन्स्टर, क्योंकि मेरी एक वीडियो भी वायरल गई थी 2.5 लाख 2 लाख तक व्यू है, उस पर बहुत लोगों का कमेंट आया भाई मॉन्स्टर एनर्जी इसमें नहीं है। तो भाई बहुत जल्दी ये गाड़ी नहीं मिल पाती है, ठीक है, बहुत रेयरली आपको डीलरशिप पर मिलती है या तो बुकिंग वगैरह पे आ जाती है या फिर कभी कभी स्लॉट में आ जाती है, ठीक है। तो अभी आपके सामने एकदम खड़ी हुई नहीं, तो अभी बात करने वाले हैं कि अभी मैं मॉन्स्टर एनर्जी में आपको क्या ग्राफिक्स मिल रहा है, कैसा चीज़ें मिल रही है, क्या फीचर्स मिला है, हर एक एक बात डिटेल में बात करने वाले हैं भाई इस वीडियो में। एंड प्राइसिंग करो ऑप्शन इंजन में पॉय एंड टॉक मीटर कंसोल में, जो अभी R15M कार्बन एडिशन वाली जो आई है ना, जो आप देख रहे हैं तो उधर खड़ी हुई है भाई, तो उसमें जो फीचर्स मिल रहे हैं जैसे म्यूज़िक कंट्रोल, नेविगेशन और जो स्विचेस वगैरह में चेंज किया गया है, तो वो चीज़ इसमें मिल जाएगी। अभी वीडियो के दौरान आगे बात करने वाले हैं एंड मॉन्स्टर एनर्जी लेना बढ़िया रहेगा कि नहीं, वीडियो किन तक बने रहेगा ये भी आपको मालूम चल जाएगा। एंड चैनल पर नए तो उसको प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही बाइक से रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू अपडेट कंपेरिजन पाने के लिए वाराणसी नियर बाई से बिलोंग करते हो बिल्कुल आप इस डीलरशिप पर आ सकते हैं, उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टोटल 6 वेरियंट आते हैं R15M में, बेस मॉडल आती है भाई वही मेटालिक रेड वाली, फिर उसके बाद एक ही मॉडल में अपनी इंटेंसिटी वाइट आ जाती है, रेसिंग ब्लू आ जाती है और विविन मैजेंटा आ जाता है। फिर उसके बाद R15M आती है जो कि नॉर्मल ये वाली अगर आप देख रहे हैं, फिर कार्बन फाइबर आती है जो उधर खड़ी हुई है, फिर उसके बाद M में ब्लैक कलर भी अभी रिसेंटली आई थी, R15M में ब्लैक कलर के आगे पूरी फेयरिंग ब्लैक होती है। उसके बाद एकदम टॉप मॉडल R15M ये आपके सामने मॉन्स्टर एनर्जी मोटो जीपी एडिशन, ये एकदम टॉप एंड मॉडल है और R15M की लाइनअप में भी एकदम टॉप मॉडल है भाई। इसकी प्राइस की अगर पहले हम लोग बात कर लेंगे वीडियो के दौरान, तो 2,37,150 रुपये ही आपको ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है वाराणसी में। ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में गाइस वेरी कर सकता है जो प्राइस है। बाकी ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं मॉन्स्टर का बहुत जगह ग्राफिक, फ्रंट में दो ग्राफिक्स, फेंडर पे ग्राफिक्स, साइड पैनल पे, रियर टेल पैनल पे बहुत सारे ग्राफिक्स मिलते हैं। टोटल 8 कलर ऑप्शन है, प्राइसिंग कलर ऑप्शन वेरियंट तो मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया है भाई। अब देखते हैं इसमें आपको चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। तो सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं तो ये जो पूरा थीम मिलता है आपको मॉन्स्टर एनर्जी का वो देखने को मिल जाता है, और फ्रंट्स अगर आप देख रहे हैं तो ये भाई यमहा का जो साइड में ये ब्रांडिंग दे दिया ना, ये काफ़ी स्पोर्टी लग रहा है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट वाइजर, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, एडजस्टेबल रियर व्यू मिरर्स मिल जाते हैं, एनोस की यहाँ पे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, मॉन्स्टर एनर्जी की ब्रांडिंग मिलेगी, यहाँ पे उसका लोगो मिलेगा, यमहा लूक की भी एक आपको एम्बलम मिल जाती है, सिंगल यूनिट में प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप मिलता है पूरा, जिसको थ्रू काफ़ी सही है, LED DRLs मिल जाते हैं आपको, फेंडर आपको फाइबर का मिलता है ब्लैक कलर का यमहा की ब्रांडिंग के साथ, फ्रंट में अपने को गोल्डन कलर की USD फोक सस्पेंशन, उसी के जस्ट पीछे अपने को लिक्विड कूल इंजन आता है, तो रेडिएटर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और एलॉय व्हील का डिज़ाइन आप देखेंगे काफ़ी सारे स्पोक्स के साथ बहुत स्पोर्टी लगता है, बढ़िया लगता है। ब्लैक कलर की ओवरऑल व्हील मिल रही है, यहाँ पर आपको रेड कलर की एक स्ट्रिप मिल जाती है, सॉरी ब्लू कलर की, एंड यहाँ पर आपको 2 mm का यहाँ पे आपको डिस्क साइज़ मिल जाता है, काफ़ी सही से mm का डिस्क साइज़ आता है, और यहाँ पे आपको ABS भी देखने को मिल जाता है, बाइब्रे के कैलिपर सेटअप आते हैं, डुअल चैनल ABS के साथ आता है, क्विक शिफ्टर ऑफर होगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिलेगा, बढ़िया बात है। उसी के बाद भाई ये थी इसकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल, एंड एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये भाई आप इसका डिस्क देखिए, कैलिपर्स मैंने आपको बता ही दिया था, यहाँ पे आपको बाइब्रे के कैलिपर सेटअप देखने को मिल जाते हैं, फ्रंट में अपने को भाई 282 mm का डिस्क था और रियर में अपने को 220 mm का डिस्क मिलता है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS भी है, यहाँ पे असिस्टेंट स्लीपर क्लच है, ठीक है। अब ये है भाई इसका ओवरऑल राइट साइड प्रोफाइल, गाड़ी की पूरी साइड प्रोफाइल देखिए, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, मॉन्स्टर एनर्जी, क्विक शिफ्टर, ये सब की आपको भर भर के ब्रांडिंग मिलेगी, एनोस, यमहा लूक, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, VVA, R15M, मॉन्स्टर की लोगो वगैरह बहुत है भाई, टर्न सिग्नल LED मिलेगी, ये अपना इंजन है, मेटालिक फुटरेस्ट मिल जाते हैं, रियर ब्रेक के लिए ऑयल मिलेगा, सब पार्ट आपको फाइबर का मिलेगा, टैंक यमहा की ब्रांडिंग, बाकी नीचे अगर आप देख रहे हैं कुछ ऐसा ओवरऑल सीन मिल जाता है, आपको मफलर मिलेगा स्लो फिशिंग में, एग्जॉस्ट आपको कुछ ऐसा मिल रहा है, यहाँ पे आपको फुटरेस्ट मिल रहा है, कार्बन फिनिशिंग में आपको मिल जाता है भाई सीट, स्प्लिट सीट्स हैं, कुशनिंग वगैरह सही है, ग्रैब मिल जा रहा है, यहाँ पे भी मॉन्स्टर एनर्जी का ब्रांडिंग मिल जाता है पैनल पे। और गाइज अगर आप देख रहे हैं ना तो स्विचेस वगैरह वही फीचर्स जो कि अभी आपको कार्बन फाइबर में मिल रहा है वही मॉन्स्टर एनर्जी में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे थे पहले यहाँ पे आपको हज़ार का स्विच मिल रहा था ना, अब उसको हटा दिया गया है यहाँ से, तो अब अपना जो सेल्फ स्टार्ट, पहले जो अपना सेल्फ स्टार्ट इंजन कटो का स्विच इंटीग्रेटेड मिलता था, अब डेडिकेटेड कर दिया गया अलग अलग, और अब यहाँ पे देखते हैं 1000 का स्विच इधर कर दिया गया, इस स्विच को भी चेंज किया गया है, अब इसमें प्रॉपर आप म्यूज़िक सिस्टम को आराम से कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेशन वगैरह बढ़िया है, जो कि आपको कार्बन फाइबर में वही चीज़ अब आपको इसमें भी देखने को मिल रही है। बाकी अब आते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ से,
रियर में अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जा रहा है, स्विंगआर्म देखने को मिल रहा है, 220 mm का डिस्क ब्रेक है, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल है, ABS है, बाइब्री के कैलिपर्स हैं और 140x70 सेक्शन टायर मिल जा रहे हैं, 70 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ब्लू कलर से यहाँ पे स्टिकरिंग वगैरह मिल जा रही है, ग्रिपिंग वगैरह काफ़ी सही है, टायर अगर मिल रहा है, रियर में LED टेल लैम्प, टर्न सिग्नल LED है, यहाँ पे आपको मिल रहा है नॉन फॉक्स रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप ठीक है भाई। बाकी गाइस यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कुछ ऐसा ओवरऑल टैंक मिल जा रहा है अपने को, जो कि आ रहा है ब्लू कलर का, बीच में स्ट्रिप बढ़िया लग रहा है और ब्लैक डॉट पूरी दोनों पैनल मिलती है, ये सब फाइबर के हैं, यहाँ की आपको गोल्डन कलर में गाइस मिलती है ना लोगो, बहुत खूबसूरत लगती है ये, और क्लिप ऑन हैंडल बार्स हैं। मीटर कंसोल और स्विचेस की बात कर लेते हैं, एंड गाइस उसी बात स्विचेस को देखेंगे तो राइट साइड इंजन कट ऑफ का स्विच, यहाँ पे सेल्फ स्टार्ट का स्विच, और यहाँ पे आप देख रहे हैं तो हाई बीम मूविंग पास का मिल जाता है स्विच, जो कि इंटीग्रेटेड है, यहाँ पे हज़ार का स्विच, फंक्शन बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न की स्विच मिल जा रही है, ग्रिपिंग वगैरह काफ़ी सही है, हैंडल बार आपको मिल जाता है काफ़ी, क्लिप ऑन रियर व्यू मिरर एडजस्टेबल मिलते हैं, एंड यहाँ पे गाइस आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आते कुछ ऐसा गियर लीवर मिलेगा, स्पीड गियर लीवर है, क्विक शिफ्टर है, साइड ही साइड इंजन कट ऑफ के साथ आता है, साइड स्टैंड है, मॉन्स्टर एनर्जी मॉन्स्टर की ये सब आप देख रहे हैं, ब्रांडिंग मिल जा रही है, यहाँ पे लुकर कूल का सेटअप मिलता है, यहाँ पे आप वुमेंस के लिए साड़ी गार्ड देखेंगे, यहाँ पे आपको ओपन चैनडेप सिस्टम आता है, बाकी यहाँ पे भी मॉन्स्टर एनर्जी की ब्रांडिंग मिलेगी ठीक है भाई। बाकी फीचर्स आपको जो नए वाले कार्बन फाइबर मिल रहा है वही चीज़ आपको नए वाले मॉन्स्टर एनर्जी में भी देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया बात है भाई, बहुत बढ़िया। बाकी गाइस ये था भाई जो नया चीज़ था, पहले ये जो मॉन्स्टर एनर्जी का जो ग्राफिक वगैरह ये तो पहले भी आप देखे थे, थोड़ी सी ग्राफिक वगैरह इधर उधर हुई होंगी, स्विचेस वगैरह में आपको डिफरेंस मिल रहा है, मीटर कंसोल में डिफरेंस मिल रहा है, और 237,000 रुपये इसकी अब आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाने वाली है ठीक है। फ्रंट में 282 mm का डिस्क था, रियर में अपने को 220 mm का डिस्क था, जो मेन फीचर्स थी मतलब डुअल चैनल ABS, सस्पेंशन, स्लीपर क्लच, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें तो भाई पहले भी R15 M टॉप एंड मॉडल में आती थी, जो चीज़ अब आपको इसमें भी मिल ही रहा है। बाकी ये गोल्डन कलर का कैसा लग रहा है आपको भाई लोगों, कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। एंड अब टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको 155 cc सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन मिल जा रहा है, जहाँ पे मैक्स पावर आपको 18.1 bhp की मिलेगी 10,000 rpm पे, एंड 14.2 nm की टॉर्क मिलेगी 7,500 rpm पे, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जा रहा है और 45 km/l तक की माइलेज मिल रही है, 11 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है, एंड 140 km/h तक की गाड़ी की टॉप स्पीड है, उससे ऊपर भी चली जाती है भाई। लुक वाइज में इस सेगमेंट में भाई कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं है जो इसको बीट कर सके, चाहे फीचर्स वाइज में, क्योंकि गाइस बहुत महंगे बाइक्स में भी इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते हैं जो कि मैंने अभी आपको बता दिए, ये इसमें मिले, राइडिंग मोड्स वगैरह भी यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। डायमेंशन की अगर आप बात कर लेते हैं तो व्हीकल की ओवरऑल लेंथ मिलती है 1990 mm की, विड्थ मिलेगी 725 mm की, हाइट मिलेगी 1135 mm की, 325 mm की विल बेस, गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm की मिलती है, ग्राउंड क्लियरेंस में भी सही है, एंड 815 mm की सीट हाइट है, तो भाई शॉर्ट राइडर की व्हीकल सही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, और 141 kg तक की कर्वेट यहाँ पे आपको मिल जाती है। सो गाइस वेट में गाड़ी आपको जितनी भारी दिखती है उतनी है नहीं, सिटी वगैरह में मनोवर करने के लिए बड़ी आराम रहेगी गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी R15 भाई लवर काफ़ी ज़्यादा हैं, गाड़ी अपने नाम पे बिकती है और फीचर्स भी ऐसी हैं, ऐसी नहीं है कंपनी ऐसी प्राइस बढ़ाई हुई है। बाकी गाइस वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक करेगा, चैनल पर सब्सक्राइब करेगा, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, टेक केयर, बाय बाय।